हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीए ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरणीय अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम के लिए ये पार्ट काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो इसलिए ध्यान से इस पार्ट को आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। उसमें भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है रखा गया है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु हुआ है? तो गंगा एक्शन प्लान जो है ये जल की गुणवत्ता को मापने के लिए बनाया गया था। यह जो है पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, और इसका उद्देश्य था जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीनेज के उपचार द्वारा जो है पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था, तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को जो है नदी में जाने से रोकना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक है कौन सा वृक्ष? तो ये नीम होता है, ठीक है। नीम जो है ये जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है तो कौन सी है? तो वो कैक्टस का पौधा होता है, ठीक है। कैक्टस का पौधा नुकीला टाइप में इस तरह से, ठीक है, नुकीला टाइप में होता है और ये जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो मुख्य रूप से जेट्रोफा बायोडीजल की फसल मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में, ठीक है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है, तो कौन सा कारण है भूमंडलीय तापन का? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का होना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि का होना जो है ये भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण माना जाता है। वैश्विक तापन का प्रमुख कारक जो है वो मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि होती है जैसे CO2, मीथेन हो गया, और तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक वृद्धि होना जो है भूमंडलीय तापन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन या बायोम में पाई जाती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो है इसका क्षेत्र विस्तार जो है 10% उत्तरी तथा 10% जो है दक्षिणी अक्षांश के, 10% उत्तरी, ठीक है, और 10% दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के निवास तथा वृद्धि के लिए जो है अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, इसी कारण जो है इसे अनुकूलतम बायोम भी कहते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को जो है अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण जो है लावा के द्वारा होता है? तो ये काली मिट्टी का, ठीक है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, और ये जो ज्वालामुखी फटती है उससे जो निकलते हैं वही काली मिट्टी का जो है रूप धारण कर लेती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि दक्कन ट्रैफ के अलावा जो है चट्टानों की अपक्षय जो होती है अर्थात टूटने फूटने से जो निर्मित हुई मिट्टी होती है उसी को काली मिट्टी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो वो है आपका समताप मंडल, ठीक है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं।
ये क्षोभ मंडल के ऊपर जो है सूर्य से लेकर के जो है 50 किलोमीटर तक समताप मंडल रहता है, ठीक है। और इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। और ये जो है प्रकाश की पराबैंगनी बैगनी किरणों को जो है पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त तो सुधारात्मक उपाय हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाएंगे? नहीं। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाएंगे? नहीं। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जो है जानकर उसे सही मार्गदर्शन देंगे। ये आपका उचित उपाय सुधारात्मक उपाय होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है प्रश्न में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब है, हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, CFC होता है, वाष्प होता है, ओजोन होता है। तो यहाँ पे हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है ये डेसिबल से किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये सुवर्ण रेखा, ठीक है, सुवर्ण रेखा जो नदी है ये रांची नगर से जो है करीब 16 किलोमीटर उसके आगे जाने पर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव के में जो है रानी चुंगा नामक स्थान से निकलती है। और ये जो सुवर्ण रेखा है ये हुंडलू जलप्रपात भी बनाती है सुवर्ण रेखा, और ये जो है जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो हिमानी द्वारा यू आकृति वाला, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिमानी द्वारा जिसका निर्माण हुआ है वो यू आकृति की घाटी है, और वी आकृति की घाटी जो है ये युवा घाटी के द्वारा बना है, ठीक है, वी युवा घाटी के द्वारा ये बना है, तो इसको भी ये आप लोग याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन सी होती हैं, तो यह विधि मितव्ययी नहीं है, बिल्कुल सही है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मतम से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, नहीं होते हैं, मितव्ययी नहीं होते हैं। और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रेक्षण विधि की सीमाएं में ये तीनों आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की खोज सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो एजी टांसले ने दिया था 1935 में, इसको भी याद रखिएगा। और इकोसिस्टम दो शब्द से बना है, इको के ग्रीक ओकाइस से, जिसका अर्थ होता है एक घर, ठीक है, और सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था, एक घर का व्यवस्था इकोसिस्टम का, ठीक है। एजी टांसले ने सर्वप्रथम इसको दिया था 1935 में, और इसका सही परिभाषा पूछ रहा है, तो इकोसिस्टम जो है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। किसी स्थान के आजीविकी घटक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है वही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार जो है कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2016 में आपके यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का के यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, ये सभी आ जाते हैं पर्यावरण शिक्षा के समाधान के विधि में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरुआत हुआ था 1973 में, ठीक है, और इसके प्रणेता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति वो प्रोटीन होती है। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो C45H69O14N11S.3H2O, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जो है पराग कोश में होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन पौधे में पराग कोश में होता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसके द्वारा जो है पौधे में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, और जिसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसकी खोज किसने किया था? तो बीजमैन ने किया था, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बीजमैन ने इसकी खोज किया था अर्धसूत्री विभाजन का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन माना जाता है? शाकाहारी, ठीक है, जो वनस्पति और वनस्पति फल फूल खा करके जो है रहते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, हिरण हो गया, ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे पहले अधिक प्रयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है? बुखार में सबसे ज़्यादा कौन सी दवा खाई जाती है? तो पैरासीटामोल। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ब्रूफेन क्या है? एक दर्द निवारक दवा है ब्रूफेन। और बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो बी कॉम्प्लेक्स जो है ये विटामिन बी के कमी के कारण में जो है इसको दिया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लिव 52 जो है ये लीवर की बीमारी से संबंधित है। तो यहाँ पे ज्वर से पूछा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है दही के निर्माण में सबसे बड़ा उत्तरदायी तो निभाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज तो ये लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने 1901 में किया था इसकी खोज। और रुधिर को चार वर्गों में बताया था, ए बी और ओ, ठीक है, चार वर्गों में बांटा था लैंड स्टीनर ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्याज आलू अदरक हैं? तो प्याज आलू अदरक क्या है? तना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है? एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो वह है पैरामेशियम। पैरामेशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव है। और कौन कौन से होते हैं? अमीबा, ठीक है, पैरामेशियम हो ही गया, युगलीना भी होता है, युगलीना ये भी एक कोश की है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ये भी होता है, यंट अमीबा ये भी जो है होता है, जीवाणु भी एक कोश की सूक्ष्म जीव होता है। तो कुल छः होते हैं, तो छः आपको हम बता दिए, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो पर्यावरण स्नेही किसको माना जाता है? तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाहनीय ईंधनों में जो है किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को जो है ये माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है?
यानी साबुन में झाग निकलता है उसका विस्थापन रीठा, ठीक है, रीठा में भी हल्का झाग होता है, ठीक है, हल्का झाग होता है तो उसका साबुन का विस्थापन जो है वो रीठा माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।